अभी तो कलेक्टर नहीं आएगी, चाहे वो 8 बजे आए 9 बजे आए, कलेक्टर नहीं आएगी। उसकी मेहंदी यही उतरेगी। अभी तो कलेक्टर नहीं आएगी, चाहे वो 8 बजे आए 9 बजे आए, कलेक्टर नहीं आएगी। पेश करने की अभी बात चल रही है। एसपी साहब और जो अपने कोर्ट हैं उनके बीच में वार्ता जारी है। जैसे ही फाइनल होता है, बस उनकी यही मांग थी कि कलेक्टर यहाँ आके लिखित में आश्वासन दे। लिखित में आश्वासन देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम चुनाव ड्यूटी पे होते हैं तो सरकार या किसी एक पार्टी की तरफ से हम कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दे सकते, वो एक इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। ये चीज़ मैं समझाने का बार बार प्रयास कर रही थी, लेकिन उनका एक ही मुद्दा था कि आके घटनाक्रम। ताज़ा हालत बिल्कुल ठीक है, अभी ज़िले में पूरी तरह से शांति है। सारे जो जाम कुछ लगे हुए थे कल समर्थकों के द्वारा, वो खुल चुके हैं, पूरी पूर्ण रूप से शांति है। नरेश मीणा को पेश करने की अभी बात चल रही है। एसपी साहब और जो अपने कोर्ट हैं उनके बीच में वार्ता जारी है। जैसे ही फाइनल होता है हम आपको बता रहे हैं। उस क्लिप को खुद ही देखे, मैंने भी देखा है। एसडीएम ने बिल्कुल नहीं कहा है दबाव में, उसने कहा है कि डीओ मैडम ने मुझे कहा कि जाके लोगों को मोटिवेट करके वोट दिलवाएं। डीओ और एरिया मजिस्ट्रेट और एसडीएम का काम ही होता है लोगों को मोटिवेट करना। हमारी चुनाव आयोग से डायरेक्शंस होते हैं स्वीप के। स्वीप का मतलब होता है कि लोगों से जाके वोटों की अपील करना, पोस्टर्स लगवाना और अधिक से अधिक मतदाताओं को वोट देने के लिए लाना। उसके लिए उस दिन हम एक हेला टोली भी लगाते हैं, जिसका यही काम होता है कि घर घर जाके लोगों को रिक्वेस्ट करें कि आप वोट दो। उसी के अंतर्गत एसडीएम वहाँ पे गए और जब उन्होंने देखा कि ग्रामवासी मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, तो वहाँ जो सरकारी कर्मचारी मौजूद थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप में से कुछ लोग वोट दे दें। उसमें से कुछ लोगों ने जाके अपना वोट दे दिया। और ये मतदान के दिन जिस तरह के हालात वहाँ बने, उसको लेकर बार बार आपको टारगेट किया नरेश मीणा ने, क्या हालात थे और किस तरह की सारी बात आई है? मतदान के दिन चुनाव का बहिष्कार समरावता गांव के द्वारा किया जा रहा था। उनकी ये मांग थी कि उनकी तहसील नगर फोर्ट है और उपखंड कार्यालय देवली है। देवली उनके प्रेजेंट लोकेशन से काफ़ी दूर है, तो वो अपने उपखंड कार्यालय को उनियारा करने की मांग कर रहे थे। इससे पहले भी उसी तहसील से, उनियारा से ही हमारे पास इस तरह की मांगें आई थी। उनको हमने राज्य सरकार को आंकलन करके भेजा भी था और राज्य सरकार के द्वारा 2 पंचायतों को सही उनियारा मुख्यालय से जोड़ा भी गया था। पहली बार ये मांग 30 अक्टूबर को ग्रामवासियों ने हमारे सामने रखी थी। अनफॉर्चुनेटली उस समय आचार संहिता प्रभावी थी, तो एसडीएम ने उनको यही आश्वासन दिया था कि आचार संहिता के बीच में तो हम आपकी मांग आगे नहीं भेज सकते, आचार संहिता के बाद हम आपकी मांग को आगे उठाएंगे और जो भी प्रक्रिया होगी उसको पूरा करके आपकी मदद करेंगे। ग्रामवासी उस समय तैयार भी हो गए थे, परंतु 13 तारीख को ग्रामवासियों ने बहिष्कार का निर्णय लिया, जो कि उनका राइट है, वो चाहें तो बहिष्कार कर सकते हैं। उस समय कैंडिडेट ने उनके साथ बैठ के उसको थोड़ा सा ज़्यादा खराब रूप दे दिया। हुआ ही उस समय उन्होंने पहले ये मांग करी थी कि कोई भी मतदाता मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, 6 बार मैंने उनको मिस्ड कॉल किए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने अपने एरिया मजिस्ट्रेट जो कि एसडीएम मालपुरा थे, उनको मौके पे भेजा। उन्होंने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनको ये समझाने की कोशिश की कि आचार संहिता के दौरान तो हम लिखित में कुछ भी नहीं दे सकते, बाद में हम इनका आवेदन आगे बढ़ाएंगे। उनके द्वारा भी नहीं सुना गया। फिर उन्होंने मेरे से बात कराने की कोशिश की और फ़ोन भी ऑन किया और स्पीकर पे भी डाला, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया। कंटिन्यूस उनकी यही मांग थी कि कलेक्टर यहाँ आके लिखित में आश्वासन दे। लिखित में आश्वासन देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम चुनाव ड्यूटी पे होते हैं तो सरकार या किसी एक पार्टी की तरफ से हम कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दे सकते, वो एक इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। ये चीज़ मैं समझाने का बार बार प्रयास कर रही थी, लेकिन उनका एक ही मुद्दा था कि आके लिखित आश्वासन दिया जाए। ठीक है, लिखित आश्वासन आपने कहा कि इलेक्शन आचार संहिता थी ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन क्या वो आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं हुए? मतलब पूरी बात ये है, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने स्वयं ही फ़ोन किया, नहीं उठाया। मैंने एसडीएम को भेज के समझाने की कोशिश की, नहीं माने। मैंने एसडीएम से कहा कि मेरे से आप बात कराएं, वो भी नहीं हुआ। फिर मैंने एसडीएम के साथ जब ये घटना हो गई तो एसडीएम को बुला के मैंने अपने एडीएम को भेजा।
एडीएम साहब भी पूरी रात जब तक ये पूरी घटनाक्रम रही, एडीएम साहब भी वहीं रहे। उन्होंने भी बार बार उनसे बात करने की कोशिश की, परंतु वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। उनका एक ही था कि हमें लिखित आश्वासन मिले, जो कि पॉसिबल नहीं था, और ये चीज़ वो भी जानते थे। और इसको एक तरह से एक मुद्दा बनाया गया जिसके बहाने सारी घटनाक्रम। ताज़ा हालत बिल्कुल ठीक है, अभी ज़िले में पूरी तरह से शांति है। सारे जो जाम कुछ लगे हुए थे कल समर्थकों के द्वारा, वो खुल चुके हैं, पूरी पूर्ण रूप से शांति है। नरेश मीणा को पेश करने की अभी बात चल रही है। एसपी साहब और जो अपने कोर्ट हैं उनके बीच में वार्ता जारी है, जैसे ही फाइनल होता है हम आपको बता देंगे। मैडम देखिए, इसमें ये था कि जब वहाँ एसडीएम पे थप्पड़ मारा गया तो एरिया मजिस्ट्रेट थे वहाँ पर, वो तो क्विक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। जब थप्पड़ मारा गया तो उस समय वो कैंडिडेट थे और पोल प्रक्रिया जारी थी, तो एक पॉइंट होता है कि पोल प्रक्रिया के समय कैंडिडेट को अरेस्ट करना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उनका भी हक होता है चुनाव के दिन प्रचार प्रसार करने का, तो उनके हक को हम बाधित नहीं करना चाहते थे। सेकंड, हमारे पास ये इंटेलिजेंस थी कि नरेश मीणा के साथ जो लोग बैठे थे उसमें से मैक्सिमम लोग बाहर के थे, और उनकी पूरी प्लानिंग ही ये थी कि एक रिएक्शन, एक तरह से ये एक ट्रैप था हमारे लिए। उनकी प्लानिंग थी कि हमसे एक रिएक्शन मिले और उसी बहाने वो बूथ पे हमला करें, अन्य बूथों पे भी हमला करें और पोल प्रोसेस को बाधित करें। तो हमने संयम रख के उस ट्रैप में अपने आप को गिरने नहीं दिया। हमने डिसाइड किया कि पोल प्रोसेस तक सब कुछ शांतिपूर्ण चलने देंगे, जिससे कि चुनाव सही से निपटे, और जब एक बार पोलिंग पार्टी और ईवीएम ठीक से रवाना हो जाएगी तब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नरेश मीणा बार बार ये कहते हैं कि वो इसलिए भड़के कि तीन लोगों का वोट ज़बरदस्ती डलवाया गया वहाँ, और इस तरह की बात भी आ रही है कि आज एसडीएम मालपुरा उनके द्वारा भी कोई बयान जारी किया गया है कि मैंने दबाव में सब कुछ किया है, तो क्या सच है? नहीं, आप उस क्लिप को खुद ही देखें, मैंने भी देखा है। एसडीएम ने बिल्कुल नहीं कहा है दबाव में, उसने कहा है कि डीओ मैडम ने मुझे कहा कि जाके लोगों को मोटिवेट करके वोट दिलवाएं। डीओ और एरिया मजिस्ट्रेट और एसडीएम का काम ही होता है लोगों को मोटिवेट करना। हमारी चुनाव आयोग से डायरेक्शंस होते हैं स्वीप के। स्वीप का मतलब होता है कि लोगों से जाके वोटों की अपील करना, पोस्टर्स लगवाना और अधिक से अधिक मतदाताओं को वोट देने के लिए लाना। उसके लिए उस दिन हम एक हेला टोली भी लगाते हैं जिसका यही काम होता है कि घर घर जाके लोगों को रिक्वेस्ट करें कि आप वोट दो। उसी के अंतर्गत एसडीएम वहां पे गए और जब उन्होंने देखा कि ग्रामवासी मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, तो वहां जो सरकारी कर्मचारी मौजूद थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप में से कुछ लोग वोट दे दें। उसमें से कुछ लोगों ने जाके अपना वोट दे दिया और कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो दबाव की कोई स्थिति नहीं। डॉक्टर साहब वहाँ पे पहुँचे थे, ग्रामवासियों ने अपना पक्ष उनके सामने रखा था और उनके द्वारा भी समझाइश की गई, ग्रामवासियों के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि जो भी नुकसान हुआ है और यदि उनके साथ जो भी घटनाक्रम हुई है उसमें ग्रामवासियों को कोई मेजर नुकसान नहीं होने देंगे। उनका जो भी नुकसान है उसकी भरपाई जैसे हो सकती है वो भरपाई भी की जाएगी, जो आंकलन हो सकता है वो आंकलन भी किया जाएगा और शांति का माहौल बनाया जाएगा, इस तरह का आश्वासन दिया। देखिए, पुलिस कानून अपना काम कर रहा है, इस तरह की आगे कार्रवाई होनी है। इलेक्शन कमीशन से किस तरह की आगे कार्रवाई की? कुछ इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस बात की सराहना की गई है कि इतना वायलेंस होने के बावजूद पोल प्रोसेस को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया गया। पोल प्रोसेस में कोई भी कमी नहीं आई, कोई अड़चन नहीं आई। हमारी मशीनें भी जमा हो गई और स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है और 23 तारीख को हम आराम से काउंटिंग कर सकते हैं बिना किसी व्यवधान के। चुनाव आयोग ने भी और सीओ साहब ने भी इस बात को